हाय मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा। मदरहुड इज़ अ टीडियस जॉब और उसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है जो मदर्स को बहुत थका देता है, एग्जॉस्ट कर देता है कम्प्लीटली। स्पेशली ये न्यूली मदर्स को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देता है, दैट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड। और वो भी तब जबकि बेबी बिल्कुल न्यू बॉर्न है, उसको लैच करना नहीं आता प्रॉपरली, उसको पता नहीं है किस तरीके से लैच किया जाता है। एंड फिर मदर्स के साथ में भी, जो न्यूली मदर्स हैं उनके साथ में इश्यूज़ होते हैं कि एकदम से जो मिल्क है वो एकदम से प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता और बच्चे को भी फीड कराना होता है। तो या तो एक ही सोल्यूशन रह जाता है, ईदर यू फीड देम विद द फॉर्मूला मिल्क जब तक आपका दूध सीक्रेट होता है, बनता है और उस फ्लो में निकलता है जिससे कि आप अपने बेबी को फीड करा सकते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन इज़ लैचिंग। बट मार्केट में बहुत इजी सोल्यूशन भी है, दैट इज़ ब्रेस्ट पम्प्स इज सीरियसली अ ग्रेट हेल्प टू न्यूली मॉम्स। मैंने ब्रेस्ट पम्प लिया था, दैट वॉज ऑफ कीको। जैसे मेरा बेबी डिलीवर हुआ था तभी मैंने फार्मेसी से, हॉस्पिटल की फार्मेसी से कीको का मैनुअल ब्रेस्ट पम्प ले लिया था, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा इनिशियली डेज में एकदम से जैसे बेबी डिलीवर हुआ तो मेरा भी मिल्क जो सीक्रेशन था वो उतना ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस हुआ था ऑब्वियसली, एंड बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में होती है, स्ट्रेस में होती है। सो ब्रेस्ट पम्प्स जो होते हैं वो आपके लिए एक काफ़ी ज़्यादा हैंडी होने चाहिए और वो आपकी बहुत मेजर हेल्प करते हैं जिससे कि आप बेबी को पम्प, अपना ब्रेस्ट जो है, मिल्क जो है पम्प कर सकें एंड कोई भी बेबी को उसको फीड करा देगा, सो दैट यू कैन रिलैक्स, यू कैन रेस्ट एंड रिकवर योर बॉडी फास्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, दिस इज कीकोज मैनुअल ब्रेस्ट पम्प और छोटा सा डब्बा आता है, इसी के अंदर ही इसके सारे पार्ट्स हैं। लेट मी ओपन इट फॉर यू। ये इस तरीके से बॉक्स में आपको सारे इसके पार्ट्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। दिस इज़ द वन पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट पम्प। सो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल पतला सा रबर का, दिस इज़ अ सिलिकॉन सॉफ्ट रबर, आपकी ब्रेस्ट के ऊपर बहुत ईजिली अच्छी तरीके से अडहेयर हो जाता है, आराम से बिल्कुल लग जाता है और बहुत ही जेंटल है आपकी ब्रेस्ट के ऊपर, कोई आपको पेन नहीं फील होगा और ना ही जैसे कि आप पंप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्शन फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जेंटल है। और इसका जो रबर है वो भी चुभने वाला नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है और इसको आप इजीली निकाल भी सकते हैं इस तरीके से और इसको वॉश कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं, वापस से इसको इस तरीके से लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट, इसका जो ये नीचे का पार्ट आता है, दिस इज़ अ पार्ट जो कि आपको पंपिंग में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, एक सही राइट पंपिंग पोजीशन देता है। जैसे ही आप ब्रेस्ट के ऊपर इस तरीके से अपनी ब्रेस्ट को लगाएंगे तो ना तो आपको टिल्ट करने की ज़रूरत है, ना कुछ इस तरीके से करने की ज़रूरत है। आप अगर आपकी ब्रेस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर आपने कवर के ऊपर अपनी ब्रेस्ट को इस तरीके से लगा दिया एंड देन यू पंप, तो आपको हल्का सक्शन सा फील होगा, एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा और ये जो पार्ट है आपकी जो ब्रेस्ट की जो पोजीशन है उसको मेंटेन करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो ये राइट आपकी पोजीशन को देता है जिससे कि आप पंपिंग में हेल्प होती है। दिस इज़ दी हैंडल विच इज़ वेरी अर्गोनॉमिक, काफ़ी कंफर्टेबल है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और बहुत सॉफ्ट भी है, आप पूरा का पूरा हाथ इस तरीके से रख सकते हैं। सपोज दिस इज़ योर ब्रेस्ट एंड यू कैन ईजिली पुट योर हैंड लाइक दिस ऑन दिस पोजिशन, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था, इस पोजिशन पर आप अपना हैंड रख सकते हैं, इस पोजिशन पर आपकी ब्रेस्ट है, ऐसे आप हैंड अपनी फिंगर्स को इस तरीके से हैंडल पर रख सकते हैं कम्फर्टेबली, पूरी फिंगर्स आ रही हैं और आप अपना पंप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में पार्ट आता है ये वाला, हम इस वाले सर्कुलर पार्ट को लगाएंगे, दिस इज़ द पार्ट, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर इस पंप के नीचे लगा देंगे। ये वाला जो पोजीशन मैंने आपको बेस दिखाया था उसके नीचे हम ये लगा देंगे। ये वाला पार्ट हमें इसलिए लगाना है जिससे इसके नीचे फीडिंग बॉटल आएगी, फीडिंग बॉटल सेम साइज़ की होगी जो कि ईजिली इसमें लग जाएगी, आपके पंप के रिमेनिंग पार्ट में लग जाएगी। ये रही हमारी फीडिंग बॉटल, ये पंप के नीचे हम इस तरीके से लगा देंगे। सो ये बहुत आसानी से यहाँ पर ऐसे लग गई है फीडिंग बॉटल। ये फीडिंग बॉटल 150 ml की है, अगर आपको बड़ी फीडिंग बॉटल चाहिए तो वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकती है, तो आप कोई सी भी अगर बड़ी फीडिंग बॉटल चाहिए स्टोर करने के लिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। सो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द पंप, ये आपका पंप है, ये इस तरीके से आपको पोजिशन में हेल्प करता है। यहाँ से आपने ये इसका कवर लगाया है जिससे कि बॉटल आपकी आसानी से लिड के अंदर चली जा सके और इंटैक्ट हो जाए।
देन फिर उसके बाद में जब आपने एक बार पंप कर दिया सारा सब कुछ, अपना मिल्किंग जो है वो आपने पंप कर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको इस तरीके से घुमाना है मैनुअल पंप को, ये आपका बाहर निकल जाएगा और ये आपको निपल कवर के साथ में मिलती है, आपको इसका बॉटल का कैप लगा देना है, ये रहा, ये देखिए, ये आपको बहुत कंफर्टेबल, आपको पूरी बॉटल मिलेगी, फीडिंग बॉटल मिलेगी, उसके साथ में काफ़ी कंफर्टेबल निपल भी होगा, जिससे कि अगर आपको बॉटल से दूध पिलाना है बच्चे को तो आप प्रॉपरली दूध बॉटल से पिला सकते हैं। निपल है जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं उनके हिसाब से ही निपल है, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा कम फ्लो है इस निपल का, एंड ये इसका कवर है। तो आप बहुत आसानी से जब आपने पंप कर दिया इसमें ही बॉटल में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं, डुअल पर्पज़ की तरीके से यूज़ हो सकती है। अगर इनकेस अगर आपके पास में बॉटल वार्मर नहीं है तो एक पतीले में हल्का सा गर्म पानी करिए, उसमें आप बॉटल को इस तरीके से रख सकते हैं, जिससे कि जो टेम्परेचर है मिल्क का वो नॉर्मलाइज हो जाए, बहुत ज़्यादा दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना फिर बच्चे को कफ, कोल्ड, निमोनिया जैसा चीज़ें हो सकती हैं। सो बेटर है कि बॉटल दूध को हल्का सा ल्यूक वार्म सा, बिल्कुल स्लाइटली हल्का सा वार्म्थ हो, जैसे कि हमारे ब्रेस्ट में होती है उतनी वार्म्थ, उतनी ही वार्म्थ पर हमें टेम्परेचर पर लेकर आना है, देन फिर उसके बाद में आप बच्चे को फीड करा सकते हैं। अगर आपको ये वाली बॉटल नहीं यूज़ करनी है, दूसरी बॉटल में दूध ट्रांसफ़र करके बच्चे को पिलाना है, तो इसके साथ में ये वाला एक और पार्ट आता है, दैट इज़ दी कवर, ये लिड है, इसको इस तरीके से आपने अपना दूध जो निकाला है, ब्रेस्ट मिल्क जो निकाला है, उसको इस तरीके से कवर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। देन फिर उसके बाद में दूसरी बॉटल में दूध अगर आपको टर्न करना है तो दूध टर्न करके एक टेम्परेचर पे, राइट टेम्परेचर पे लाके देन फिर आप बेबी को फीड कर सकते हैं। एक और पार्ट आता है जिससे कि दूध स्पिल ना हो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि बहुत प्रेशियस होता है मदर्स मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क बहुत प्रेशियस होता है, गिर जाए तो वो सिर्फ मदर ही फील कर सकती है कि एनर्जी लॉस भी होता है ब्रेस्ट पंपिंग में। सो ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए, जिससे स्पिल नहीं हो जाए, तो इन्होंने ये एक बेस देकर रखा है, ये इस तरीके का राउंड सर्कुलर शेप बेस है जिसमें हल्का सा डूम बनाया हुआ है, इसको आप बॉटल को आसानी से फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल फिक्स हो गई, इस तरीके से स्पिल नहीं होगा, ऊपर कैप लगा होगा तो दूध का निकलने का कोई चांस ही नहीं है, और आप कहीं पर भी इसको इस तरीके से रख सकते हैं। सो ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए ये हमें पार्ट दिया गया है। मैनुअल पंप इज़ दी बेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक पंप डेफिनेटली एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट पंप। तो जैसे मेरे को लगा एक डेढ़ महीने के बाद में मुझे भी फील हुआ था कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक पंपिंग नहीं करूँगी, देन आई रियलाइज़ कि नहीं, मैं मुझे और पंपिंग करनी चाहिए, और अपने सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, आई हैड अ ओन रीजंस, आई हैड टू रीस्टार्ट माय रूटीन आल्सो आफ्टर माय रिकवरी। तो 8 वीक्स के बाद में जब मेरी रिकवरी हो गई थी, आई हैड अ नॉर्मल डिलीवरी, तो जब मेरी रिकवरी हो गई उसके बाद में मैंने फिर इलेक्ट्रिक पंप्स को परचेज़ किया, और फिर उसके बाद में मैंने पंपिंग रेगुलरली सर्टेन गिवन पीरियड के टाइम पर शुरू कर दी थी। तो मैं हाफ पंपिंग करती थी इलेक्ट्रिक पंप से एंड हाफ लैचिंग करती थी। मैं इस तरीके से अपने बेबी को 7-8 मंथ्स तक ब्रेस्ट मिल्क फीड किया है। इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको बताया ये बॉटल खाली हो गई है, इसका बेस हमने इस तरीके से इसको निकाल दिया, इसके सारे पार्ट्स भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं, ये कवर भी आसानी से निकल जाएगा। हाँ, ये आपका हैंडल नहीं निकलेगा पंप में से, क्योंकि पूरा बंद है और सक्शन के लिए ग्रिप है, तो इसलिए ये पार्ट नहीं निकलेगा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा गंदा हो गया तो अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद में, क्योंकि रबर ही है, सिलिकॉन रबर है, तो इजी टू रिमूव है और इजी टू वॉश भी है, तो ये मैंने इस तरीके से वापस से, ये देखिए, लगा दिया। पहले मैंने यहाँ से उठाकर निकाला था जो मुझे लगा कि रिमेन्स है दूध वगैरह का, तो अच्छी तरीके से वॉश होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, ब्रेस्ट पंप्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको स्टरलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे को इन्फेक्शन कॉज हो सकता है गंदगी की वजह से। अगर थोड़ा सा भी गंदगी रही या फिर स्मेल रहा तो बेबी कोलिक हो सकता है। कि बॉटल को सपोर्ट करने के लिए जो कैप लिया था उसको भी हटा दिया, वॉश करने के बाद में इसको आप वापस से इस तरीके से असेंबल कर सकते हैं। बॉटल को आपने स्टरलाइज कर दिया, वॉश कर दिया, स्टरलाइज कर दिया, ये आपने लगा दिया, इसको सिलिकॉन कैप को आपने कवर को इस तरीके से लगा दिया। सो बहुत इजी है इसको इंस्टॉल करना भी, और साथ साथ में फिर अगर आपको धोना है तो आप आसानी से हर एक 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 पार्ट को निकाल के धो सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और स्टरलाइज कर सकते हैं।
सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, सो जो कीको मैनुअल ब्रेस्ट पम्प की जो प्राइस है दैट इज़ 2,000 rupees. आई परचेज इन 2,000 rupees. अलग अलग वेबसाइट पे थोड़ा सा 100-200 rupees का डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है. सो यू कैन ट्राई Amazon, you can try first cry or you can directly try Kiko की वेबसाइट या Kiko के स्टोर्स पे. बहुत आसानी से आपको Kiko मैनुअल पंप मिल जाएगा या फिर किसी भी फार्मेसी से आपको ईजिली मैनुअल ब्रेस्ट पंप मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.